दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर किस प्रकार लिंक कर सकते हैं एंड ईमेल आईडी किस प्रकार लिंक कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में पहले से ही कोई मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या फिर गुम गया है, तो इस केस के अंदर आप एक नया मोबाइल नंबर किस प्रकार अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं एंड अपने आधार कार्ड में एक नया मोबाइल नंबर किस प्रकार लिंक करवा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, UIDAI पोर्टल पर जो सेल्फ अपडेट आधार वाली सर्विस है वो कम्प्लीटली बंद हो चुकी है। तो दोस्तों अब आप एक नए मेथड से किस प्रकार अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी को लिंक करवा सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करना है और इसमें आपको टाइप करना है एम आधार। UIDAI की ऑफिशियल एप्लीकेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगेगी, आपको अलाउ के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, आपको स्किप के बटन पर क्लिक करना है एंड आई कंसल्ट पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे आई कंसल्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपकी जो भी सूटेबल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का चुनाव आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाती है। तो दोस्तों OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है एंड OTP फिल करके दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये एप्लीकेशन में आप सक्सेसफुल तरीके से लॉगिन हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन में आपको आधार कार्ड से जुड़ी बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप जैसे नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि UIDAI के पोर्टल पर जो सेल्फ अपडेट आधार वाली सर्विस है उसको बंद करने के बाद में दोस्तों आधार सेंटर पर आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड्स देखने को मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही। तो दोस्तों उस भीड़ से बचने के लिए आपको बुक अपॉइंटमेंट करके आप अपने आधार कार्ड में कोई भी काम करवा सकते हैं। आप जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपको भीड़ में लगने की जरूरत नहीं है, आप भीड़ से बचकर डायरेक्ट ही आप अपने आधार कार्ड का काम करवा सकते हैं, जाते ही आपका नंबर आ जाएगा। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए अब दोस्तों आपको यहां पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहां पर ऊपर में ही देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, इंडियन रेजिडेंशियल एंड नॉन इंडियन रेजिडेंशियल। तो सिंपली आपको इंडियन रेजिडेंशियल पर ही क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है या फिर दोस्तों आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी से भी आप लॉगिन कर जाओगे। तो सिंपली हम यहां पर मोबाइल नंबर पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर हम यहां पर फिल करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो मोबाइल नंबर आप अपने आधार कार्ड में लिंक करवाना चाहते हैं। तो हम यहां पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में ये जो कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैप्चर कोड हम यहां पर फिल करेंगे एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहां पर देखेंगे आपने जो ऊपर मोबाइल नंबर फिल किया है इस पर एक OTP आ जाती है। OTP को आपको यहां पर नीचे फिल करना है एंड सबमिट OTP टू प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट टू प्रोसीड OTP पर क्लिक करते हैं इसके बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आ चुके हैं, न्यू एनरोलमेंट एंड अपडेट आधार। अगर आप नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू एनरोलमेंट पर आप क्लिक करेंगे, और आधार कार्ड में कोई भी अपडेट या मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको अपडेट आधार पर ही क्लिक करना है। आप जैसे अपडेट आधार पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आपके सामने ऊपर दो ऑप्शन आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड अपडेट एंड HO बेस्ड अपडेट। तो सिंपली आपका जो पहला ऑप्शन है सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहां पर पेज में नीचे आ जाएंगे। पेज में नीचे आने के बाद में दोस्तों आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम है वो नेम आपको यहां पर फिल करना है एंड दोस्तों आपकी जो भी आधार नंबर है जिस आधार में आप मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहते हैं वो आधार नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपको इंडियन रेजिडेंशियल पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आप अपने आधार कार्ड में कौन सा काम करवाना चाहते हैं, नेम में सुधार करवाना चाहते हैं, जेंडर में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर एड्रेस बायोमेट्रिक। तो हमारे आधार कार्ड में हम मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईमेल आईडी भी लिंक करवाना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी पर भी क्लिक कर सकते हैं एंड दोस्तों आप यहां पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी ईमेल आईडी आप लिंक करवाना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, ईमेल आईडी पर OTP आएगी, OTP को आप वेरीफाई कर लेंगे। तो हमारे केस में हम मोबाइल नंबर ही लिंक करवाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर हम क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम सारी चीजें फिल करके जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें प्रीव्यू का पेज दिखाता है। तो प्रीव्यू के पेज में हमारा नाम हमें शो हो जाएगा, हमारा आधार नंबर हमें शो हो जाएगा और जो मोबाइल नंबर हम लिंक कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। तो एडिट के बटन पर क्लिक करके हम मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हैं।
इसके बाद में हम सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नीचे टर्म्स के बटन पर क्लिक करेंगे एंड पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पर नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। योर एप्लीकेशन हैव बीन क्रिएट, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है और आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके आपकी जो भी रिसिप्ट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप आधार सेंटर पर विजिट करेंगे तो इस रिसिप्ट को आपको लेकर जाना होगा और साथ ही में आपका आधार है वो भी आपको लेकर जाना होगा। तो आप डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना होगा। बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर टाइम और डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जिस टाइम और डेट को आप फ्री रहते हैं वो टाइम और डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको अपना आधार सेंटर सर्च करना होगा, तो एडवांस सर्च पर आप क्लिक करेंगे। एडवांस सर्च पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके नियरेस्ट में जो भी आपका आधार सेंटर है वो आपको सर्च करना होगा और उसी पर आपको बुक अपॉइंटमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आधार सेंटर सर्च करने के लिए आप यहाँ पर सर्च बाय आधार सेंटर नेम डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई आधार सेंटर है और उसका नाम आपको पता है तो उसका नाम फिल करके भी आप यहाँ पर आधार सेंटर सर्च कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपका जो भी पिन कोड है, आपके एरिया का पिन कोड है, वो पिन कोड फिल करके आप गेट डिटेल पर क्लिक करके भी आप अपने आसपास का आधार सेंटर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर नाम फिल करेंगे आधार सेंटर का और हमारा जो भी नियरेस्ट में आधार सेंटर है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर नाम फिल करके सर्च पर क्लिक करते हैं और नीचे पेज में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने दो आधार सेंटर खुलकर आ चुके हैं, यानी कि हमारे नियरेस्ट में ये दो आधार सेंटर पड़ते हैं। तो इन दोनों आधार सेंटर पर हम यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर व्यू ऑन मैप पर क्लिक करके हम मैप के जरिए भी देख सकते हैं कि हमारे नियरेस्ट में कौन सा आधार सेंटर पड़ता है, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जिस आधार सेंटर पर भी आप बुक अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं उस पर हम बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो स्लॉट है नीचे 354 अवेलेबल है और दूसरे आधार सेंटर पर 356 स्लॉट अवेलेबल है। तो हम यहां पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहां पर बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ऊपर में ही दोस्तों हमारा जो आधार सेंटर है उसका एड्रेस हमें यहां पर शो हो जाता है और नीचे दोस्तों आप यहां पर देखेंगे हमें एक कैलेंडर मिल जाता है। इस कैलेंडर के जरिए अब हम यहां पर हमारा जो भी डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहां पर जो हरे कलर में डेट लिखी हुई है वहां पर आपको स्लॉट अवेलेबल मिल जाएगी और जो रेड कलर में यहां पर डेट लिखी हुई है उस रेड कलर में आपको स्लॉट अवेलेबल नहीं मिलेगी। तो आपको यहां पर हरे कलर की जो डेट है वही आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आप जो भी हरे कलर की डेट आपको शो हो रही है उस डेट में से आप कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आप नीचे देखेंगे यहां पर 10 मई यहां पर फिलहाल सिलेक्ट है, तो हम यहां पर दोस्तों यहां पर 11 मई सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे 11 मई को ही हम फ्री है तो 11 मई को ही हम आधार सेंटर पर विजिट करेंगे। तो हम यहां पर 11 मई हमने यहां पर सिलेक्ट की है। इसके बाद में 11 मई को हम दोस्तों किस टाइम को दोस्तों हम यहां पर फ्री रहते हैं तो दोस्तों हम यहां पर देखेंगे 11:20 AM पर हम फ्री है तो हम यहां पर इस पर ही क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं अगर ब्लैक कलर में आपको टाइम शो हो रहा है तो इस टाइम को स्लॉट फ्री नहीं है, तो यहां पर जो हरे कलर में टाइम शो हो रहा है इसी टाइम को स्लॉट फ्री है तो वो टाइम आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। टाइम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका पेज में स्क्रॉल डाउन करना है एंड नीचे आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर कंफर्म बुकिंग देख सकते हैं। आपको यहाँ पर आधार सेंटर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो जाता है और आपने जो टाइम स्लॉट बुक की है वो टाइम एंड डेट भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म बुकिंग के लिए आपको यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज पे करना होगा। तो आपको यहाँ पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक करके आप ये 50 रुपये का चार्ज पे कर देंगे। आप जैसे ही कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कोड पर आपको रिडायरेक्ट करेगा और आप अपने एक सूटेबल हिसाब से आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, फ़ोनपे के थ्रू, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप सूटेबल होंगे उसके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। दोस्तों आप जैसे ही पेमेंट कर देते हैं तो आपकी कन्फर्मेशन बुकिंग हो जाती है और जिस टाइम और जिस डेट को आपने स्लॉट बुक की है उस टाइम उस डेट को आपको उस आधार सेंटर पर जाना है जो आधार सेंटर आपने बुक किया है। उस आधार सेंटर पर आपको स्लिप लेकर जानी है। जब आप 50 रुपये पे कर देंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाती है, उस स्लिप को आपको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल में सेव करके वो स्लिप आपको लेकर जाना है और जिस आधार में आप मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हैं वो आधार कार्ड आपको लेकर जाना है और वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल आसानी से बिना क्राउड से बचे हुए ही अपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं या फिर अदरवाइज कोई भी अपडेट आसानी से करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यही एक प्रोसेस है आधार कार्ड में अपडेट करने का या फिर मोबाइल नंबर लिंक करने का, इसके अलावा अदरवाइज कोई भी कोई प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कन्फ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।